差不多一遍。हम लोग बात कर रहे थे संघात प्राचल बी तथा प्रकीर्णन कोण थीटा में समूह। हाँ, ये बात जरा इसके डायग्राम के बारे में बात करते हैं अपन। देखो क्या है इसका स्ट्रक्चर। हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक अल्फा पार्टिकल आता है पी वन संवेग से, स्कैटर होके चला जाता है पी टू डायरेक्शन। स्कैटरिंग एंगल कितना है? थीटा है, ठीक। इसका परिणामी जो संवेग है वो कहते हैं डेल्टा पी है, ठीक है। इस नाभिक के द्वारा जेड इक्वल टू 79 नाभिक के द्वारा उस अल्फा पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है, उसका वैल्यू अपन ने बोल दिया है, और ये फोर्स इससे थीटा एंगल फाई एंगल बनाता है। परिणामी संवेग की दिशा के साथ कौन सा एंगल बनाता है? फाई एंगल। ये वैल्यू फाई माइनस थीटा बाई टू, ठीक है। एक दूसरा वैल्यू जो डेल्टा पी और पी टू के बीच में बनता है, ये भी फाई माइनस थीटा बाई टू। जरा ये सारी बातें हम लोग कल कर चुके थे। हाँ चलो सुनो, जरा आगे की बात ध्यान दो, ठीक है। अपन के पास, अपन जब वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे, तो अपन इम्पल्स के बारे में बात कर रहे थे, हमारे पास आवेग का वैल्यू आ गया था। अच्छा, संवेग परिवर्तन के कारण आवेग इंपल्स का वैल्यू डेल्टा पी एफ डॉट डी, या फिर अगर अपन उसको कहेंगे डेल्टा पी के रेस्पेक्ट में पार्ट एफ कॉस फाइव डी, ठीक है। अपन जरा इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अपन नजर आओ जाते डेल्टा पी कितना है, टू एम बी साइन थीटा वाई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ कॉस फाइव। इसको अपन डी टी अपॉन डी फाई इंटू डी फाई इस तरीके से लोकेशन दे सकते हैं। जरा और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, टू एम बी साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ कॉस फाइव डी फाई इंटू डी टी ओवर डी। अब अपन एक बात और कहते हैं, देखो जल्दी, ये जो फोर्स लगता है ये फोर्स होता है सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल है। आओ जरा आगे, क्योंकि केंद्रीय बल की उपस्थिति में क्या होता है? जे नियत रहता है। जे क्या रहता है? नियत, ठीक है। इसका मतलब जे इक्वल टू एम बी वी कॉन्स्टेंट होगा। नॉर्मली जे एम बी आर से प्लॉट करते हैं अपन, है टी क्रॉस आर होता है, या आर क्रॉस पी, तो एम बी आर इक्वल टू एम बी वी। अपन जानते हैं चूंकि v इक्वल टू होता है ओमेगा r, इसका मतलब m ओमेगा r स्क्वायर इक्वल टू m। अपन क्या करते हैं, m का मींस ओमेगा का वैल्यू आ गया हमारे पास v v अपॉन r स्क्वायर, और ये वैल्यू का ही का है, ये वैल्यू है d phi अपॉन dt v v ओवर r स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू है d phi अपॉन dt का, जरा वैल्यू रख, इसलिए 2mb sin theta by 2 is equal to integration f cos phi d phi dt upon d phi का वैल्यू रखोगे तो r square upon vv हो जाएगा, r square। अपने पास f का वैल्यू भी होता है, f का वैल्यू क्या है अपने पास, f इक्वल टू होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर,
means f equal to k, q1 means z 12, q2 means 2e upon r. तो f का वैल्यू क्या हो गया 2kz e square upon r square. चलो सारी की सारी वैल्यूज रख लो, 2mv sin theta by 2. देखो देखो 2kz e square upon r square into r square over vv, ठीक, cos phi d phi. अब जनरली देखो पाई का जो लिमिट है वो तो माइनस के पाई माइनस थीटा बाई टू से प्लस के पाई माइनस थीटा बाई टू तक होता है, ठीक है. तो जरा अपन इसका लिमिट लगा लेते हैं, माइनस के पाई माइनस थीटा बाई टू टू प्लस के पाई माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. आपके पास जो वैल्यू बचा, आओ जरा इधर, ठीक है. जरा बताओ एक बार की इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम पूछो जरा एक बार फटाफट से. आगे बात करें, चलो करो जरा आगे की बात है. क्या करते हैं, आओ जरा 2mb sin theta by 2 is equal to, देखो ये 2kz e square upon v, 2kz e square upon v, ये सब कांस्टेंट टर्म है. इंटीग्रेशन माइनस के पाई माइनस थीटा बाई टू प्लस के पाई माइनस थीटा बाई टू कॉस फाई डी फाई. अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करो, साइन फाई होता है 2mb साइन थीटा बाई टू इक्वल टू 2kz e स्क्वायर ओवर vv साइन फाई माइनस के पाई माइनस थीटा बाई टू टू प्लस के पाई माइनस थीटा बाई टू. इसका मीनिंग पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू है, ठीक है. जरा लिमिट लगाओ भाई, 2mb साइन थीटा बाई टू इक्वल टू 2kz e स्क्वायर ओवर vv साइन पाई माइनस थीटा बाई टू माइनस साइन माइनस पाई माइनस थीटा बाई टू. अरे उसको अपन सॉल्व करते हैं. देखो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू, आओ जरा इधर देखो, साइन थीटा बाय टू इक्वल टू टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन टू. साइन पाई बाय टू माइनस थीटा बाय टू क्या होता है, पाई बाय टू माइनस थीटा करते हो तो साइन कॉस थीटा आता है ना, साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए. साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो एक माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक. टू सीटा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा वही वाली बात है, ये भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू. आपके पास वैल्यू हो गया 2mb sin theta by 2 is equal to 4 k z e square over v cos theta by 2. अपन क्या करते हैं जरा इसको
मुझे v का वैल्यू चाहिए, मैं v को इधर रख लेता हूँ और सबको इधर ले आता हूँ. v इक्वल टू 4kz e स्क्वायर अपॉन 2m v स्क्वायर v cot थीटा 1. तो मतलब v का जो वैल्यू आया 2kz e स्क्वायर अपॉन m v स्क्वायर v cot. ठीक है. अच्छा देखो अपन क्या कर सकते हैं, इस 2 को नीचे ले आओ, इसके क्या आ जाएगा, एक टर्मिनोलॉजी ये भी बनेगी, v इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर वाई टू वी कॉट थीटा वाई टू. और ये क्या होता है, ई होता है, तो v का वैल्यू आ गया, यहाँ से भी हटाना पड़ सकता k z e स्क्वायर ये क्या होता है, ये प्रकीर्णन कोण थीटा और संघात प्राचल बी में संबंध होता है. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, खूब कितनी बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है. ठीक है. अच्छा सर जी सुनो, जरा पहले जरा देखो एक बार में इसको, फिर आगे बात. देखो जरा फटाफट से फिर अपन आगे बात करेंगे इसके बारे में. आगे बात करें, बोलो जरा फटाफट से. सुनो जरा काम की बात, इसका मीनिंग क्या है. सुनो काम कीजिए, देखो इधर आओ, अपने पास क्या है, v इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई के. अच्छा देखो अगर आप थीटा का वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है, थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, कॉस का वैल्यू बढ़ता है, और कॉस में अगर थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो कॉस का जो पूरे का वैल्यू वो कम होता है. अपन ऐसे ही तो करते हैं, कॉस जीरो से लेते हैं, देखो साइन जब अपन जीरो से लेके 90 तक अगर मूव करें, एंगल का वैल्यू बढ़ाएं, तो साइन का खुद का वैल्यू बढ़ता है, यानी साइन थीटा इंक्रीज होता है, कब, थीटा के इंक्रीज होने का. अगर आप थीटा का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा इंक्रीज होएगा. कॉस में उल्टा होता है, कॉस में क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू तब इंक्रीज होता है जब थीटा डिक्रीज होता है. अब अपन या फिर ऐसे कहें कि अगर थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा डिक्रीज हो जाएगा, इसका भी क्या, इसका मतलब थीटा अगर इंक्रीज होएगा तो ये ऊपर का जो वैल्यू है इसका, कॉस का वैल्यू वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा. साइन का वैल्यू नीचे है वो इंक्रीज होगा, अपन भाग में इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर से कम होगा. इसका मतलब थीटा के इंक्रीज करने पर बी का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कम होगा. उसका सीधा सा मीनिंग ये कि जब अपन थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो संघात प्राचल बी का वैल्यू क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है. एक बात. अच्छा दूसरी बात, एट v इक्वल टू जीरो, अगर v का वैल्यू जीरो हो, ये कब पॉसिबल है, अगर अपन थीटा इक्वल टू 180 कर दें, अगर अपन थीटा इक्वल टू क्या कर दें 180, थीटा बाई टू है cot 90, cot 90 का मतलब जीरो, इसका मतलब v इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू 90 होगा. अपन तभी कहते हैं कि v का वैल्यू जीरो होने का मतलब यह है कि जो नाभिक है यहां से वापस चला जाता है. ठीक, तो ये दो कंक्लूजन है उसके पास. एक तो कंक्लूजन ये है कि अगर आप थीटा का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो संघात प्राचल v का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. और दूसरा कंक्लूजन ये है
ये अगर थीटा इक्वल टू 180 कर दिया आपने इंक्रीज करते करते तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, अब जरा आगे की बातें करते हैं। का मतलब ये है कि 180 डिग्री पर वो क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में प्रकीर्णित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जरा, कोई प्रॉब्लम? ये दोनों चीज समझ आई? अपन आगे बात करते हैं, सुनो। देखो हमारे पास एक और काम है रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र के बारे में। रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र देखो, सुनो, रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र क्या देखो, जनरली अपन रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र से क्या चाहते हैं कि किसी थीटा एंगल पर हमारे पास जो भी स्कैटर हुए हैं, जो भी नंबर ऑफ एटम्स या अगर कहें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, उनका वैल्यू क्या है, वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग। मींस याद क्या करना है, थीटा कोण पर प्रकीर्णन अल्फा कणों की संख्या। लेकिन वो अल्फा कणों की संख्या कैसी है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में डिफाइन करेंगे अपन। ठीक है, और अपन उनको एक नोटेशन देंगे, उनको अपन एन थीटा बोलेंगे, एन थीटा। जरा उसके बारे में बात करते, अब जरा सुनो सर, अपन एक बात कर रहे हैं, अपन एक बात करते हैं, अपन मान लेते हैं कि बी इक्वल टू जीरो से बी तक, मीन संघात प्राचल जो है, या संघात प्राचल का मतलब जो क्लोजेस्ट पाथ है, न्यूनतम जो दूरी है इसके बीच में, नाभिक और अल्फा पार्टिकल के बीच में, अगर संघात प्राचल का मान जीरो से बी हो तो उस कंडीशन में जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, थीटा या थीटा से अधिक कोण पर क्या हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं, अतः ऐसे कहें, माना प्रकीर्णन का परिक्षेत्र स्कैटरिंग एरिया कितना हो सकता है, इस तरह का कंडीशन है, इसका जो एरिया होगा प्रकीर्णन का परिक्षेत्र होगा, अपने चारों तरफ के पूरे क्षेत्रों को क्या कर सकता है, प्रकीर्णित कर सकता है। और अगर प्रकीर्णित कर सकता है तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं, पाई बी स्क्वायर। चलो अपन एक और बात मान लेते हैं, यदि जैसे कहें माना एकांक आयतन में कणों की संख्या, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, कणों की संख्या एन हो एवं हमने क्या माना, हमने माना कि एकांक आयतन में कणों की संख्या क्या है, एन है, एवं पट्टिका की मोटाई, जो अपन पतली पन्नी ले रहे हैं, पट्टिका की मोटाई टी है। अच्छा देखो, पट्टिका की मोटाई कितनी हुई, टी, एकांक आयतन में संख्या कितनी हुई, एन। तो अपन संपूर्ण आयतन में क्या निकाल लें, अगर अपन संपूर्ण आयतन में कणों की संख्या निकाल लें तो अपना काम चल जाएगा। हमने क्या माना, ये तो क्षेत्रफल है, ये उसकी मोटाई है। भाई जो भी आप कोने की पतली पन्नी ले रहे हो उसका कोई ना कोई एरिया तो होगा, और अगर थिकनेस है तो उसके पास आयतन होगा, और अगर उसके पास आयतन है तो अपन क्या कर सकते हैं, एकांक आयतन में कणों की संख्या एन मान रखिए, टोटल निकाल लेते हैं। आ जाओ, अतः पट्टिका के
संपूर्ण आयतन में पट्टिका के संपूर्ण आयतन में कणों की संख्या, कितनी हो जाएगी सर जी देखो, इट्स इक्वल टू एन पाई बी स्क्वायर टी, काम चलेगा। अपन के पास वी का वैल्यू भी है, क्योंकि B इक्वल टू है के जेड ई स्क्वायर अपॉन टी के कॉट थीटा बाई टू, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन इसका वैल्यू रख लेते हैं इसलिए, और इस अल्फा कणों की संख्या को एक नोटेशन दे रहा हूं मैं एफ, ये फोर्थ नहीं है, ये क्या है, अल्फा कणों की संख्या है एन पाई। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन ई के स्क्वायर और स्क्वायर थीटा बाई टू, अच्छा सुनो काम की बात, अपन का काम क्या है, अपन ने मान लिया कि ये संपूर्ण आयतन में क्या है कणों की। अब जरा अपन क्या चाहते हैं, अपन चाहते हैं कि थीटा एंगल पर जो पार्टिकल स्कैटर हुए, मतलब अगर ऐसी कंफ्यूजन हो, अगर मैं ये कहना चाहूं, अगर मान लो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा प्रकीर्णन कोण पराश में प्रकीर्णित अल्फा कणों की, अच्छा सुनो अपन क्या करते हैं, अपन थीटा और थीटा प्लस थ्री थीटा प्रकीर्णन कोण पर एक रेंज ले ली हमने, भाई ऐसा हो गया यहाँ पार्टिकल इस एंगल से भी जाएगा और किसी एंगल से भी जाएगा और किसी एंगल से भी जाएगा, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा प्लस डी थीटा है, तो इस वाली परास में कितने पार्टिकल आए, जरा मैं उस बारे में बात करना चाह रहा, ठीक सुनो। तो थीटा और थीटा प्लस डी थीटा प्रकीर्णन कोण परास में प्रकीर्णित अल्फा कणों की प्रायिकता का मान, अपन क्या करते हैं उसकी प्रायिकता का मान निकालने के लिए डी एफ अपॉन डी थीटा का निर्धारण करते हैं, ये प्रायिकता हो जाएगी, ठीक। चलो जरा आओ अपन क्या करते हैं, डी एफ अपॉन डी थीटा, क्यों नहीं लगेगा 180 डिग्री वाले के लिए फॉर्मूला, लग तो रहा है, अरे भाई देखो b इक्वल टू यही तो है k z e स्क्वायर अपॉन e के cos थीटा y, अपन बोल रहे थीटा 180 है, अगर थीटा 180 हुआ तो ये क्या होएगा, 180 by 2 means cos 90 कितना होता है, 0, b का वैल्यू 0 हो जाए, और यही होता है, अरे एक्चुअली उसका मीनिंग एरिया जीरो होने से नहीं है, बी एरिया के जीरो होने का मतलब नहीं है, वो बात भी तो सही है भाई, अपन क्या कह रहे हैं, ये होता है स्कैटरिंग एरिया, अगर मान लो ये क्या है, अगर आपके पास बी डिस्टेंस है तो उसके चारों तरफ का एरिया स्कैटरिंग एरिया है, मतलब अगर मान लो नाभिक यहाँ है तो उससे इस पूरे क्षेत्र में स्कैटरिंग हो सकती है, उसका मीनिंग ये है, लेकिन जब बी जीरो होगा तो स्कैटरिंग कहाँ होगी, किसी एक ही डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में आता है उसी पे वापस चला जाता है, ये है उसका मीनिंग। बी कोई रेडियस नहीं है, कोई त्रिज्या नहीं है किसी वृत्त की या किसी गोले की, त्रिज्या नहीं ले रहे हम उसे, अपन ने तो एक बात मानी कि जो दूरी है बी, अब भाई मान लो वो दूरी बी इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी, यहाँ से भी बी हो सकती है, यहाँ से भी, उस नाभिक के कहीं से भी हो सकती है, तो नाभिक के प्रकीर्णन का परिच्छेद ना, ये नाभिक का क्षेत्रफल नहीं है, ये समझ लो बस, ये नाभिक का एरिया नहीं है, ये किसका एरिया है, ये इसके स्कैटरिंग का एरिया है कि वो अपने आसपास कितने एरिया में स्कैटर कर सकता है, इसका मीनिंग ये है, ऐसे भाई अपन मानते हैं ये रहा साहब नाभिक यहाँ से आता है, ये डिस्टेंस है,
अब वो जरूरी थोड़ी वो एक ही डायरेक्शन से है, वो इधर से आए तो भी तो एक डायरेक्शन की चाहिए, वो इधर से आए तो भी तो एक डायरेक्शन की चाहिए, वो इधर से आए तो भी तो एक डायरेक्शन की चाहिए, उसका एरिया ठीक। हाँ शुरू में जो सूत्र लिखा है मैंने प्रकीर्णन का परिक्षेत्र लिखा है, उसको क्षेत्रफल नहीं बोला मैंने, उसको क्षेत्रफल नहीं बोला, हमने उसको कितने एरिए में प्रकीर्णित हो सकता है उसके बारे में बात की है, वो नाभिक का क्षेत्रफल नहीं है ठीक। अपन क्या करें, एकांक आयतन में कणों की संख्या एन है ठीक है, तो कितने संपूर्ण आयतन का मतलब उस पूरे क्षेत्र में, जैसे भाई अगर मान लो वो प्लेट है और प्लेट के इतने एरिए से प्रकीर्णन हो रहा है, उसकी मोटाई भी तो है भाई, ऐसे अगर अपन बहुत सारी लेयर्स बना दें तभी तो अपन कह रहे हैं कि अगर इतने सारे पतले पतले पार्ट बना देंगे उसके, तो उन सारे पार्टों से क्या होगा, इतने इतने एरिया का प्रकीर्णन हो जाएगा, मीन्स इतने एरिया प्रकीर्णित करेगा उसको, ये है उसका मीन ठीक है। चलो तो अपन का काम क्या है, अपन का काम है डी एफ निकालने का, चलो जरा डी एफ निकाल लेते हैं, डी एफ अपॉन डी थीटा, आओ भाई जरा इधर, उसको आप एरिया ना समझे, वो किसी चीज का एरिया नहीं है, इसलिए हमने उस वर्ड को परिक्षेत्र लिखा। अपन का काम क्या है, अपन का काम है df अपॉन dθ फाइंड आउट करना, आओ यार df अपॉन dθ इज इक्वल, देखो सर जी n पाई k स्क्वायर z स्क्वायर c4 अपॉन, और c को भी ले लो cot स्क्वायर θ / 2 है, चलो और थीटा बाई टू का करते हो तो क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई टू, माइनस के कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बाई टू, और थीटा बाई टू का क्या आता है, वन बाई टू, तो आपके पास वैल्यू क्या कैंसिल हो गया, डी एफ अपॉन थीटा का वैल्यू क्या माइनस, अच्छा तो देखो n pi k square z square t4 t upon t square, और होता है cos बटे sin, हाँ और theta by 2 cos x square t square ठीक। अब देखो जरा ये जो वैल्यू है डी एफ अपॉन डी थीटा का मीनिंग है, माइनस उसका मीनिंग ये है कि अगर आप थीटा में वृद्धि करोगे, थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो प्रकीर्णन की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो माइनस चिन्ह आने का मीनिंग क्या है, माइनस चिन्ह आने का मीनिंग ये है कि अगर आपने थीटा के वैल्यू में वृद्धि किया तो उसके रेस्पेक्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ठीक है। अगर अपन कह रहे थे डी एफ इक्वल टू माइनस के एन फाइव ठीक है। अब जरा देखो, अब अपना काम क्या है, अपन क्या करते हैं, अपन कुछ चीज मान लेते हैं और वो मानने का मीनिंग क्या है उसका, वो ये कहता है कि अगर मान लो इन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने का जो पार्टिकल, भाई अगर अपन ने क्या किया, अच्छा ऐसा करो एक बार ये आप लोग रिज्वाइन करो पहले, फिर बात करो।